Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. Vincent School and College. This video is for class 4, subject Hindi language, chapter number 3, second kaksha, part 3 hai ye. Ye aapka copy work hai. In part 1, hum logo ne is explanation aur book work kiya tha. Aur ye aap iska copy work hai. Copy work mein सेकेंड असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू होल्ड द पेपर एंड राइट द सेकेंड असेसमेंट, देन स्टार्ट दिस चैप्टर. विशेष दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि संयुक्त अक्षर क्या कहते हैं. नेक्स्ट, रा के साथ जुड़कर बनने वाले संयुक्त अक्षर. किसी व्यंजन से पहले जुड़ता है वह उस व्यंजन के ऊपर इस तरह से लगता है, व्यंजन रूप में लगता है. जैसे वा, रा, शा, वर्षा, इसमें ये ऊपर ये लगा. नेक्स्ट, जब रा किसी स्वरहित व्यंजन के बाद जुड़ता है तब वह उस व्यंजन के नीचे र रूप में लगता है. जैसे प्र, रा, ज, प्र, ज. जैसे ये है पा, रा, पा, र, ज, सजा. अब जब रा के पहले आने वाले व्यंजन, जब रा के पहले आने वाले व्यंजन स्वर रहित होते हैं तब रा इन वर्णों के नीचे इस तरह लगता है. जैसे ड, रा, मा, रम, ये है रम. नेक्स्ट, छ, प्र, या और श्र संयुक्त व्यंजन है. ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, किंतु मेल होने पर इनका रूप दोनों जुड़ने वाले व्यंजनों से अलग हो जाता है. जैसे का, अच्छा, का, अच्छा, मिलकर बनते हैं छ. जैसे इसका उदाहरण कक्षा. इसके बाद आपको एक प्रश्न उत्तर करना है. प्रश्न है आपका द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं. इसका उत्तर है दो समान व्यंजनों के मेल को द्वितीय व्यंजन कहते हैं. जैसे एक से देखिए है ना, समान व्यंजन एक आधा एक पूरा है. च, बच्चा, कच्चा, ये आपका इसका कॉपी वर्क है जिसको कि आपको अपनी कॉपी में करना है. धन्यवाद.